कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है। अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। बीजेपी की बात सुन के आज उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी। क्यों आप छुपा रहे हो, क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। अगर मोदी है तो मुमकिन है ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई? वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे। क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके और आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले। मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या? आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा। हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना? तो कौन झूठ बोल रहे हैं? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा MSP का दाम मैं बढ़ाऊंगा। बढ़ाया उसने? फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं। आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। मध्य प्रदेश में आज हर तरफ गड़बड़ी है और इससे पहले भी गड़बड़ी करते ही रहे थे। मुझे एक आश्चर्य हुआ, जो भी कोई मेरे गुलबर्गा एरिया में आता है कुछ ना कुछ अपशब्द हमारे बारे में बोल के चले जाता है। परसों एक 15 दिन पहले
शिवराज चौहान जी गुलबर्गा आए थे, उन्होंने कहा कि राहुल जी और खड़गे जी मिलके कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के लोग मुझे पूछे कि शिवराज जी चौहान ऐसी बात कही, तब मैं उनसे यही कहा भाई कोई अगर बीजेपी वाले यहां है और मीडिया के लोग फिर से अगर उसको मिलते हैं तो आप पूछो कि शिवराज चौहान को क्यों निकाला गया, क्या कारण था। पहले तुम्हारा बोलिए ना, क्या तुम्हारे को बीजेपी खत्म हो रही है इसीलिए निकाले, या आपको नजदीक नहीं आने दिए मोदी, इसका कारण क्या है बताओ, बाद में हम अपना उत्तर देंगे। शिवराज सिंह ये भूल गए हैं, व्यापम घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का बड़ी घोटाला हुआ, हम पार्लियामेंट में उठाए, हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन शिवराज सिंह उस वक्त कुछ नहीं कहे। अब हमारे बारे में कहते हुए वो आए, ठीक है। अब एक तरफ मोदी, एक तरफ अब शिवराज सिंह जिनको इंचार्ज कर्नाटक में भेज के उन्होंने बनाया है, तो अपनी बात कहना है तो कह रहे हैं। अब आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आज आपको ये भी कहना है भाई, मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे खारिज किए, 3 लाख जो पट्टे जिनको मिला था, मिलने वाला था, उसको उन्होंने खारिज किया। ये गरीबों के लिए काम करने वाले हैं, जो लोग हमारे पट्टे खराब पट्टे कैंसल करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड इलेक्शन बॉन्ड इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए,
जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या हर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो, क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं।